पगलाई गई। बर्थडे ब्लॉग, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ से क्यों बर्थडे ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। जी हाँ, आज हम लोग जा रहे हैं वियान के बर्थडे के दिन हम लोग जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 2:30 बज गया था, हम लोगों को 1:30 बजे निकलना था, बट 1 घंटा लेट हो गया है क्योंकि वियान का बर्थडे है, थोड़ा बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट तो बनता है ना, इसीलिए मेरा और इनका दोनों का ही लेट हो गया है। और ये ड्रेस मैंने पहन लिया है, ये एक लॉन्ग गाउन टाइप का है, ये मेरे पास बहुत दिनों से है, बट 2 घंटे से मैं याद नहीं कर पा रही हूँ कि ये ड्रेस मैंने किस पर्पज से परचेस किया था एंड ये ड्रेस मैंने किस ओकेशन के लिए लिया था, याद ही नहीं आ रहा है। बट अभी बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद मुझे लग रहा है कि शायद मैंने दी के शादी के दिन के टाइम के दिन के टाइम में पहनने के लिए मैंने ये ड्रेस लिया था, आई गेस सो। बट मैं मतलब रॉन्ग भी हो सकती हूँ, बट आज मैंने ये पहन लिया है क्योंकि वहाँ पे जाके ना थोड़ा बहुत काम भी रहेगा क्योंकि डेकोरेशन वगैरह करनी है, पता नहीं कब तक पहुँचेंगे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा कंफर्टेबल सा चीज़ पहन के जाऊँ एंड वहाँ पे जाके रात के टाइम में तो चेंज करना ही है। बाल बिल्कुल भीगा हुआ है क्योंकि अभी अभी नहा के आई एंड दिस इज मी, माई आउटफिट लुक्स लाइक दिस। और चलिए चलते हैं बर्थडे बॉय की तरफ। बिहान का तबीयत ना थोड़ा सा खराब है तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा मूड में नहीं है, बट फिर भी उसका बर्थडे है ना, तो इसीलिए थोड़ा बहुत खुद से ही चेयर अप करने की कोशिश कर रहा है वो लड़का, बहुत अंडरस्टैंडिंग है। एंड मैंने कुछ मेकअप नहीं किया है, सिर्फ सनस्क्रीन भर भर के लगाई है क्योंकि बाहर धूप है, एंड सिर्फ और सिर्फ मैंने लिपस्टिक अप्लाई किया है, नथिंग ऑन माई फेस गाइस। सो चलिए निकलते हैं। सो निकल गए, चलो। पापा'स बर्थडे। यस, पहली बार नहीं, बहुत दिनों बाद जाने के टाइम में ना मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है क्योंकि इट्स पापा'स बर्थडे। यस, इट्स विहान्स बर्थडे। ये निकल पड़े सिलीगुड़ी की ओर और रास्ते में हम लोगों को मिठाई लाना था क्योंकि सैकरदा ने कह दिया था कि मिठाई लेके आना है। यहाँ पे हम लोगों के रोड में ही पड़ता है वो दुकान, फुलबारी का एक बहुत ही फेमस दुकान है, वहाँ से हम लोगों ने लिया था लैंगचा जो कि बहुत ही गरम गरम था और ये हस्बैंड मेरे लिए लाया था मज़ा। और उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे दी के घर। चलिए चलते हैं और बर्थडे बॉय से मिलते हैं। Happy birthday! Yeah. Oh wow, কে দিয়েছে এটা? মম্মা বাবা দিয়েছে। তোমার बर्थडे बॉय से मिलने के बाद यहाँ पे हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे और एक्चुअली यहाँ पे जो बातें हो रही थी ना वो भी मैं टॉपिक बता देती हूँ। तो बर्थडे के आगे वाला
दिन में मतलब रात के टाइम पे विहान का तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। ऐसा ख़राब हो गया था कि इमीडिएटली उसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा। तो ये हम लोगों को पता नहीं था, क्योंकि लास्ट में हम लोग ने 12 बजे विश किया था, उसके बाद हम लोग सो गए थे। तो रात में ये सब हुआ, सब कोई भी फ़ोन नहीं किया ऑब्वियसली, इतने दूर से हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। तो वो सुन के बहुत ही मन ख़राब हो गया था। तो विहान का तबीयत आज भी बहुत ज़्यादा सही नहीं था। और दी ने यहाँ पे गैलरी वॉल बनाया था जो मुझे देख के बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद विहान को सुलाने की कोशिश चल रहा था, और उसी टाइम पे हम लोगों ने सोचा कि डेकोरेशन स्टार्ट कर दे। और यहाँ पे सब लोग बैठ गए थे, पिंटूदा, बॉबी, ये लोग पहले ही आ गए थे, कुछ देर पहले ही आ गए थे, एंड सईकद्दा, मैं, मेरे हस्बैंड, सब लोग मिल के बैठ गए थे डेकोरेशन करने। एंड इस बार का जो थीम था ना, वो था सी एनिमल थीम, क्योंकि विहान को इस बार सी एनिमल केक चाहिए था। उसने डिमांड किया था उसका केक, और बलून्स भी सी के थीम के ऊपर था। तो सब लोग मिलके यहाँ पर डेकोरेट कर रहे हैं, डेकोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं अच्छे से, और बीच बीच में एक दूसरे की टांग खिंचाई भी हम लोग कर रहे थे। तो सब लोग जब एक साथ रहते हैं ना, हम लोग तो ऐसे ही मजाक मस्ती जो है ना, तो वो चलता ही रहता है। डेकोरेशन करने के बाद यहाँ पे मैं सिल्वर की जो भी बर्तन है विहान का, वो सब मैं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि हर एक साल बर्थडे के दिन ये निकाला जाता है विहान के लिए। इसमें खीर दिया जाता है विहान को, और ये सिल्वर की बर्तन मेरे मम्मी ने दिया है और सईकद्दा की पापा ने दिया है। तो सारे डेकोरेशन होने के बाद, सारा काम करने के बाद, मैं यहाँ पे तैयार होकर आप लोग के सामने प्रेजेंट हूँ। तो ये ड्रेस को मैंने सिंपली डिफरेंट तरीके से थोड़ा सा स्टाइल किया है। हस्बैंड के बर्थडे के दिन मैंने थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में स्टाइल किया था, और आज इसको डिफरेंट तरीके से स्टाइल किया है। दिस कुर्ती इज़ वेरी वर्सेटाइल, और इसके ऊपर 5 लुक्स मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है, जो मेरे चैनल में ऑलरेडी है। तो आप लोग अगर देखना चाहते हो तो मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे है विहान का केक, सी एनिमल केक, और बहुत प्रीटी था, एंड खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट था। और विहान यहाँ पे देखिए बिल्कुल तैयार है, और डेकोरेशन हम लोगों ने कुछ ऐसे ही सिंपल रखा है। और विहान का ड्रेस बहुत क्यूट था, विहान का तबीयत ना बिल्कुल परफेक्ट नहीं था, बट वो देख रहा था, और मतलब वो ढूंढ रहा था कि वो जो डिमांड किया था वो सब कुछ उसे मिला या नहीं, सब कुछ देख रहा था घूम घूम के, जो बहुत अच्छा लगा। Happy birthday to you. Happy birthday.
सब उसको आशीर्वाद दे रहे हैं और गिफ्ट भी मिल रहा है। तो सब लोग यहाँ पे, आप लोगों को पता चल ही गया ऑलरेडी कि यहाँ पे ना सब बड़े लोग जो है ना पैसे देते हैं कि उसको जो भी पसंद है उसके मम्मी पापा उसको खरीद के देंगे। बट विहान को गिफ्ट चाहिए, विहान पैसा लेके उसको मम्मी को दे रहा है, फिर पैसा नहीं चाहिए कुछ ऐसा बोल रहा है। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना, ये मेरे पास आ रहा है कि मेरे हाथ में बहुत सारे गिफ्ट्स है और उसको पता है मेरे पास क्या क्या है, तो इसीलिए पॉपम जल्दी दो कुछ ऐसा चल रहा था। तो इसलिए फिर मैंने सिर्फ मम्मी पापा और मौसा मौसी ने दिया, उसके बाद ही हम लोग ने दे दिया क्योंकि विहान बहुत मतलब यहाँ पे ही देख रहा था कि क्या क्या है मेरे हाथ में। तो इसीलिए बड़ों का वेट ना करते हुए मैंने और मेरे हस्बैंड ने जो गिफ्ट लाए थे विहान के लिए वो दे दिया। और ये पाके ना विहान बिल्कुल खुश हो जाता है क्योंकि ये सब विहान को चाहिए था और विहान को पता था कि मैं क्या क्या ला रही हूँ उसके लिए। तो इसीलिए देखो कितना इंटरेस्ट के साथ बच्चा देख रहा है यहाँ पे।
उसके बाद जो सब इन्वाइटर्स थे सब लोगों को हम लोगों ने दिया, सभी लोगों ने हेल्प किया, मैं दी, बॉबी, मासी और भी लोग थे जो हेल्प किया। और मेनू में क्या था अभियान के बर्थडे में वो दिखा देती हूँ। पहले था फ्राइड राइस, फिर चिकन कौशा, फिर पनीर दो प्याज़ा, और यहाँ पे था चटनी जो घर में बनाया हुआ है, ये है सलाद, एंड उसके बाद है खीर जो बर्थडे में बनता ही है, एंड मिठाई। और जो लोग चिकन नहीं खाते उनके लिए मटन भी था, आलू दम भी था जो लोग वेज खाते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इस बार हम लोग मनाए थे। और जस्ट बिकॉज विहान का तबीयत परफेक्टली फिट नहीं था, तो हम लोगों ने कोशिश किया कि विहान को थोड़ा सा रिलैक्सेशन करवाए, एंड विहान के साथ खेले, विहान को जो भी पसंद है वो सब करे। बहुत ही इंजॉय किया, सब कुछ किया और सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया। थोड़ा बहुत ध्यान का तबीयत फुल्ली वो ठीक नहीं है, इसीलिए इस बार ना सबका ही मन थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, क्योंकि बच्चा है, इस बच्चे के लिए सब लोग इतना ज़्यादा, मतलब इसको लेके इतना ज़्यादा क्रेज़ है ना हमारे यहाँ पे, मतलब हमारे अंदर, सब लोगों के अंदर, तो वही है। और ये वीडियो तो लाइक तो बनता है, आप लोगों ने ढेरों सारा विश दिया, प्यार दिया, उसके लिए बहुत 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 थैंक्स। आई होप ये प्यार बरकरार रहेगा। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ बहुत जल्दी। टिल देन अच्छे से रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने के साथ खुशियाँ बांटते रहिए, खुद का ध्यान रखिए। बाय बाय, एक तो बाय बाय कोबे ना कि बाय तो मत छोड़ी, ठीक है ओके। ये अब बिल्कुल फाइन है, पंचतंत्र होता, और इसको ये बुक लेके सोना है आज। हम लोग स्टोरी सुनेंगे ना। यस ओके, चलो बाय।